टू फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड मेरे पीछे आपको ये देखिए ट्रीज़ दिख रहे होंगे। सो मैं 2 डेज़ पहले यहाँ अपने घर बनी खेत आई थी। तो अभी क्या था कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, तो बहुत दिनों से भी मेरा कोई अभी वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ी स्टक थी स्मायरा के एग्ज़ाम्स एंड उसके बाद फिर रिज़ल्ट तो आउट हो चुका है, वैसे फ़ाइनल कल आएगा। बट कुछ दिनों के लिए एक फैमिली फंक्शन भी था, सो कुछ दिनों के लिए मुझे लगा कि क्यों ना घर जाया जाए, फिर उसके बाद रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आप सबको अपने साथ एक जगह पे लेके चलती हूँ। हम जा रहे हैं एक वेजिटेबल लेने, मतलब पहाड़ी सब्ज़ी होती है ये। लाइक आपको किसी भी मतलब ऐसे जंगल में आप जाके ला सकते हो और फिर मतलब बहुत टेस्टी बनती है। और मैं भी आपको दिखाऊंगी साथ के साथ कि वो सब्ज़ी बनती बहुत अच्छी है और पहाड़ी सब्ज़ी होती है वो। तो चलिए अभी मैं वहीं जा रही हूँ, तो आप सबको भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं वो वाली वेजिटेबल लेने के लिए जो पहाड़ी सब्ज़ी है। इन पेड़ों पे लगती है, सुंदर सुंदर पेड़। ये देखिए आपको ग्रीन ग्रीन, ये तो पाइन ट्री है। और अभी इसका फ्रेश फ्रूट आ रहा है अभी, जस्ट क्योंकि स्नोफॉल होके हटी है तो अब इस पर फ्रेश लीव्स आएंगे एंड फ्रेश फ्लावर्स आएंगे, फ्रेश सीड है ना। तो पाइन्स है ना, ये पाइन सीड्स है ना ईशो, तो ये बनेंगे तो फिर वो इसके अंदर वाला सीड आप खाते हो वो बड़ा टेस्टी लगता है। एक्चुअली ये वाला वो ट्री है जिसमें वो वेजिटेबल लगती है। तो वहाँ पे मम्मी पापा ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसको ऐसे निकालना पड़ता है। पापा ये क्या नाम है इस सब्ज़ी का? फुगुड़ी बेटा, फुगुड़ी। अच्छा, तो इसके मतलब पत्ते जो हैं वो तो काम नहीं आते ना? बिल्कुल, जो सॉफ्ट पत्ते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, और छोटे छोटे ना। अच्छा, ये भी राम कंजा है ठीक है इसके साथ? अबे नहीं जा रही हूँ। हाँ, ये छोटे छोटे दाने हैं ना। ठीक है जी, तो ये फुगुड़ी के दाने हैं, तो इनके साथ जो सॉफ्ट पत्ते हैं हाँ जी वो भी काम आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, और ये बनते कैसे हैं? बॉईल करके बनती है सब्जी? हाँ बेटे, पहले जाकर के साफ सफाई करके इनकी ना। हाँ जी, और फिर इसको बॉईल करना है। अच्छा अच्छा, इतना बॉईल करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद उसको हाथों से प्रेस करके ना। हाँ जी, तो उसका जो वाटर है पानी है उसमें से निचड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो निकाल देना है। हाँ जी, वो थोड़ा कड़वाट देता है। उसके बाद जो है इसको अपने जीरा हींग वगैरह का तड़का लगा दिया है ना, और सरसों के तेल में लगा करके। तो ये वाली सब्जी तो मतलब हिमाचल में ही मिलती है और कहीं तो मिलती नहीं है, है ना? नहीं, ये तो पहाड़ों में सभी पहाड़ों की सब्जी है, उत्तराखंड में भी होती है ये। तो फिर जितने भी जगह हैं, जितनी स्टेट्स हैं मतलब हमारे हिमाचल की, सभी मतलब नेम्स डिफरेंट होते होंगे सिर्फ, है ना? पर जैसे हम इसको फुगुड़ी बोलते हैं, है ना? तो ये होता है, ये वाला सीड होता है लाइक ये वाला, इसको बनाते हैं और इसको बॉयल करते हैं। ये फीमेल प्लांट है ना। हाँ जी, लेकिन एक होता है मतलब जो फुगुड़ा बोलते हैं। हाँ जी, तो वो खाने की, वो जब वो पकता है तो वो खाने के काम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सब्जी तो इसी की बनती है। हाँ जी, इसके 5 पत्ते होते हैं। और हाँ जी वही है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें फिर ऐसे डाल के आपने कलेक्शन कर ली है ना, या अभी बॉईल करेंगे घर जाके वॉश करके? कैसी लगती है ये सब्जी? बहुत टेस्टी लगती है ये, चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी भी लगती है, अपने आप में नेचुरल इसमें टेस्ट होता है। एक्चुअली ना ये वाला जो ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाएंगी यहाँ पे खाने के लिए। लाइक जो भी पहाड़ी सब्जियाँ होती हैं वो आपको यहाँ पे अभी मिलेंगी, क्योंकि आफ्टर स्नोफॉल ये जो सीज़न होता है, इस टाइम जो वेजिटेबल्स हैं वो जंगल में ग्रो करती हैं, जो नेचुरल वेजिटेबल्स होती हैं, है ना? तो वो जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उसका टेस्ट वही समझ सकते हैं। और मैं अभी जैसे आई हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे को स्पेशली
सब्जियों को खाने का मन करता है, क्योंकि इसके बाद जो सीजन आएगा मानसून आएगा तो उसमें वो बंद हो जाएंगी, है ना, फिर विंटर्स आती है। ऑर्गेनिक है, नेचर में बनती है, इसको कोई बनाता नहीं है, कोई उगाता नहीं है पेड़ को। हाँ। ये ऑर्गेनिक है, अपने आप लगता है। हाँ। और बिल्कुल भी इसमें कोई भी टॉक्सिक आपको नहीं मिलेगा, जैसे हमारी और बाजार में जो सब्जियाँ मिलती है उसमें होता है। लेकिन साथ साथ अब कराली का सीजन भी लग जाएगा। हाँ, इसके अलावा कराली होती है, फिर बिच्छू बूटी होती है, वो भी मैं खा के जाऊंगी, कसरोड होती है, और जो हमारे हिमाचल की डिफरेंट स्टेट्स है ना उसमें सारी वेजिटेबल्स यही होती हैं, बनाने का तरीका डिफरेंट होता है और नेम्स भी डिफरेंट होते हैं, बट सब्जियां सेम यही वाली होती हैं, तो आपको बना के भी खिलाएंगे। चलिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आप लोगों ने फिग्स तो खाए होंगे। एक्चुअली जो फिग होते हैं ना, फिग जो एक फ्रूट होता है, ये वही वेजिटेबल होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहाड़ी में इसको फगोड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फिग्स बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है यार, मतलब लाइक आप नेचुरल वेजिटेबल्स खाते हो। छोटे छोटे होते भी मैंने ये बनाते हुए देखा था, बट मैं तब इतना लाइक नहीं करती थी, टेस्ट नहीं बैठता था। वही है ना कि बच्चों को ये चीज़ें लाइक उस टाइम इतनी टेस्टी नहीं लगती है, बड़े होके आपको पता चलता है हाँ कि एक्चुअल में फ्रेश चीज़ें क्या होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स क्या होती हैं। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अब कि मैं ट्राई करती हूँ, अपने हिमाचल की सारी वेजिटेबल्स पसंद करती हूँ, और लकीली मुझे टाइम टू टाइम मिल भी जाती हैं जब भी मैं आती हूँ, तो जिस भी सीज़न में डिफरेंट डिफरेंट सीज़न की डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं और सारी जंगल में मिलती हैं। शाबाश। यहाँ पे चार लोग खड़े हुए हैं लेकिन मास्क सिर्फ एक पर्सन ने पहना हुआ है। नो मास्क, नो एंट्री। कितनी मुश्किल से देखो इसको पकड़ के, टू पर्सन्स को एटलीस्ट एक स्टेम को पकड़ना पड़ता है और फिर एक को निकालना पड़ता है। लाइक इजी नहीं है, मतलब टास्क है ये भी एक, कि आप वेजिटेबल पहले देखो, ये ट्री, ये देखो, ये तीन दो पापा और रिशु लगे हुए हैं ट्री को, स्टेम को नीचे करेंगे, ये डाउन करेंगे, देन मम्मी प्लक करेंगी वहाँ से, लीव्स भी प्लक करेंगे एंड जो उसके सीड्स हैं मेन जो वेजिटेबल है उसको प्लक करेंगे, और जितनी मेहनत लगती है निकालने में उतनी मेहनत लगती है बनाने में, और लेकिन जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एकदम हेल्दी होता है। खाने जा रहे हैं। हाँ जी, मंकीज के लिए क्या मिलेगा। बूढ़ी पागल पागल। देखिए रोड हेड के नीचे भी कितनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे लोगों के हाउसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये जंगल के बीच कितना प्यारा सा हाउस बना हुआ है। ये वही रोड है यार, इस रोड से हम स्कूल जाते थे तो याद आती है वो टाइम। और ये देखिए सामने जंगल में आपको एक छोटा सा प्यारा सा विलेज देखने को मिलेगा। ये कितना सुंदर विलेज है, मेरे माइंड में वेजिटेबल ही घूमी जा रही है क्योंकि मैं 1 ईयर के बाद ये वेजिटेबल खा रही हूँ, और एवरी ईयर जब भी मैं आती हूँ तो मैं सारी वेजिटेबल्स ट्राई करके जाती हूँ। एनीवेज आपको मैं दिखा रही थी ये जो लोकेशन है, ये बनीखेत और डलहौजी के साथ की लोकेशन है, और ये जो ऊपर माउंटेन दिख रहा है ये है काला टॉप का माउंटेन, एंड ये है हमारा एक सामने विलेज, साथ साथ में विलेजेस हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है लाइक, बट ऐसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, लाइक आप ट्रीज़ के बीच में। सामने भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए सामने एक और विलेज दिखेगा आपको, मैं ऐसे जूम करके दिखाऊंगी कैमरा, बट ये देखिए यहाँ पे आपको ये सुंदर सा विलेज, ऐसे इस तरह के जितने भी स्मॉल स्मॉल टाउन्स विलेजेस बने होंगे वो जंगल के बीच में, बहुत सारे मतलब लाइक ग्रुप्स हैं हाउसेस के, लाइक 8-8, 10-10 हाउसेस होते हैं साथ साथ, तो एक विलेज बन जाता है। और ये डलहौजी का माउंटेन है जो कि बनीखेत से ओनली 7 किलोमीटर्स ही दूर है, और हमारे घर से लाइक 7 किलोमीटर्स दूर पड़ता है, और ये सुंदर सा जंगल हमारे घर के पास का ही जंगल है, और इन ट्रीज से कितनी फ्रेश एयर मिलती होगी, फ्रेश ऑक्सीजन हम लेते हैं, सो
बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, ये सीज़न इतना ज़्यादा अच्छा है ना। थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है और ये देखिए एक और हाउस यहाँ पे कितना अच्छा बना हुआ है। सॉरी, ये हाउस नहीं है, ये है होम स्टे। ये होम स्टे है, कोजी नुक करके है, ये मेरी मासी जी का ही होटल है यहाँ पे। तो ये वाला तो ये वाला जो दिख रहा है आपको कोजी नुक, एक होम स्टे, इसके ऊपर जो ये टॉवर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा होम है। तो ये बनीखेत की लोकेशन है, हम बस थोड़ा सा नीचे उतर के आए हैं। ये जंगल एकदम कनेक्टेड है हमारे घर के साथ। बहुत से भालू भालू भी होते हैं यहाँ पे, बट अभी ठीक है। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और जो मैं वेजिटेबल लेके आज जा रही हूँ ना, वो वेजिटेबल हम अभी लेके जा रहे हैं। मैं इसको फुल मतलब सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन आपको बना के भी दिखाएंगे कि हम अपने यहाँ कैसे बनाते हैं। और चपाती के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे कि और भी जगह हैं हिमाचल में, वहाँ पे भी वेजिटेबल मिलती है, बट आई डोंट नो किस नेम से बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। तो इसको फगुड़ी बोलते हैं, और बाकी जगहों पे पता नहीं क्या बोलते हैं। बट बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चीज़ सेम होती है। तो घर में बना के दिखाएंगे, मम्मी ही बनाएंगे, तो देखते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आपको तो मैं सिर्फ दिखा के टेस्ट करा सकती हूँ कि कैसी। जिन्होंने ट्राई की होगी, जो हिमाचल से अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, तो उन्होंने तो बनाई भी होगी, खाई भी होगी, एंड उनको टेस्ट भी पता होगा। लेकिन जो आउटसाइडर्स है, बाहर के लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि ये कौन सी वेजिटेबल है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं। तो वो आप देखोगे। और इसके अगर कोई हिमाचल से मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कौन सी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, मतलब हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन से एरिया से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और आपके शहर में, आपके विलेज में इस सब्ज़ी को किस नाम से बुलाते हैं, और किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मम्मी के हाथों का क्या हाल हो गया है। ओ हो, कितनी मेहनत लगी मम्मी आपको ये यार निकालने में, इतने ज़्यादा ब्लड आ गया, ये तो छाले छाले पड़ गए। मतलब यार इजी नहीं है पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों की लाइफ बहुत टफ है, लेकिन यहाँ जो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती है ना, तो मैंने अपनी डिमांड पे मम्मी को बोला कि बना के खिलाओ। तो बेचारे मम्मी के हैंड पानी वगैरह नहीं लेके आए थे ना मम्मी, हैंड वॉश करने के लिए। अच्छा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये इतनी ज़्यादा नेचुरल नेचर के बीच में लगती है, तो इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे ना पापा। बेटा मेडिकेटेड है ये चीज़ें। हाँ जी, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है। इसमें विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, और ये हर प्रकार के जो नेचर के ये हैं, ये काफी न्यूट्रिशियस है, मतलब है ना। हाँ जी ठीक है, वैसे भी हाँ, क्योंकि इसमें हमने कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, आपने नेचुरल तरीके से बनती है ये, है ना। बिल्कुल, तो औषधीय गुण है इसके। हाँ जी, शरीर में किसी प्रकार का कोई आजकल जैसे कोई किसी जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह भी होती हैं, तो उनके लिए बेस्ट होती हैं जो पहाड़ी वेजिटेबल्स होती हैं कहते हैं, है ना, ये सुना हुआ है। ठीक है जी, जो है हमारी वो भी मेंटेन रहती है, अच्छा रहते हैं। हाँ जी, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इंटरनली हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप, हाँ जी, हमारे ब्लड में ना, हाँ जी, वो जो है वो ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो कि अच्छे सेल्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पॉजिटिव। ठीक है ठीक है, ब्लड में जो है उसमें वो आ जाती है, ताकत आ जाती है। तभी पुराने लोग ऐसी चीजें खाते। यहाँ पास में एक हैंडपम्प था, मम्मी को हैंड वॉश करने थे, तो हम यहाँ आ गए और अब हम पहुँच गए हैं घर। तो
देखिए ये रही वो वेजिटेबल ट्री ट्री से निकालने के बाद इसको जो इसका सीड है एंड जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल फिग्स हैं वो और उसके जो न्यूली फ्रेश लीफ हैं इनको बॉयल करेंगे। देन आफ्टर बॉयलिंग इसका पानी वगैरह निचोड़ के निकालेंगे देन इसको तड़का लगाएंगे। मैक्स कम बेटा देखो गिर जाओगे बेटा गिर जाओगे। आ जाओ नीचे आ जाओ चलो। ये अच्छा है भी तुम्हारी वॉक वगैरह ये अच्छी कितना अच्छा वॉकिंग वास्ते बन रहे थे। वहाँ क्या चला गया देखो क्या कर रही है ये देखो।
गाइज फाइनली वेजिटेबल वो वाली जो मैंने दिन को वीडियो बनाया था आप सबके लिए बन के हो चुकी है रेडी। इस तरह से कुछ बनती है ये वेजिटेबल। तो अब मम्मी आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे। तो इसमें रेड मिर्चे और सरसों के तेल बच्चे ते जैसे ना धनिया जीरा हींग वगैरह बस बच्चे इसमें प्याज टमाटर प्याज नहीं बच्चे नहीं तो नहीं दा नहीं टमाटर ना प्याज ते बस बच्चे हींग वगैरह ते धनिया ते बस। इस तरह से ये सब्जी बनती है। इसमें पड़ता है सरसों का तेल हींग धनिया लाल मिर्ची और अब इसको चपाती के साथ खाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होएगी। रही है चटनी बन रही है पुदीना डाला इधर मुझे दिख रहा है और है अदरक है और लहसुन है और छोटू इसमें अनारदाना है ना। तो आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी जो कि चपाती के साथ और उस सब्जी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कल हम चूके फ्लावर भी लेके आएंगे उसकी चटनी भी बना के दिखाएंगे आपको जो कि पहाड़ में ही मिलते हैं वो फ्लावर्स। अभी इसमें सॉल्ट ऐड करने को रह गया है तो अभी हम पिंच सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। सो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है यार सच में। चटनियाँ तो मतलब छोटू बहुत अच्छी बनाता है। यम्मी मिंट कितना अच्छा लग रहा है। मैं शुगर भी ऐड करी है और बाकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो पानी वगैरह डाल के जैसे भी है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।